हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक विद यूबी। आज हम आपके साथ भरवा भिंडी की रेसिपी शेयर करेंगे, तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और इसको मैंने धोकर इसका पानी अच्छी तरह सुखा लिया है। अब मैंने इसके दोनों एजेस काट दिए हैं और इसमें मैं एक स्लिट लगा लूँगी। तो जो ये हम स्लिट बनाएंगे, हमें मसाला इसी के अंदर भरना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडियों में स्लिट लगा लिया है। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकती हैं। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मसाला थोड़ा सूखा रहता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लें और इसका एक पेस्ट जैसा बना लें। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको पेस्ट की तरह बना लिया है। इसको पेस्ट की तरह बनाने से ये मसाला इसमें भिंडी में अच्छी तरह फिल हो जाएगा। सूखा मसाला फिल करने में थोड़ी परेशानी होगी, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा गीला कर लिया है। अब हम सभी भिंडियों में मसाले को अच्छी तरह भर लेंगे। अगर आप मसाला भिंडी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो रेसिपी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी भिंडियों में मसाला भर दिया है। अब मैंने पैन में ऑयल गर्म करा है और हम भिंडियों को शैलो फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम लो रखें और सभी भिंडियों को पैन में डाल दें। तो मैंने सभी भिंडियों को पैन में अच्छी तरह फैला दिया है। अब हम इसको कवर करके कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और उसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते पलटते रहेंगे ताकि भिंडियाँ चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएँ। मैंने अपने चैनल पर मसाला भिंडी, कुरकुरी भिंडी और बहुत सी वेज रेसिपीज़ शेयर करी हैं, आप वो सारी रेसिपीज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडियों को 2-3 बार अलट पलट कर सभी साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और भिंडियों को सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को टिफ़िन में दे सकती हैं और ये उनको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरह नई नई रेसिपीज़ देखते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।